ओए होए, आधा दिखा दिखा के हमें मार डालोगी? दिल हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी? क्या बोले, सुनाई नहीं दिया? हैं? छोटी बच्ची हो क्या? जानू तुम भी कितने फनी हो। अच्छा तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? हाँ याद है, नहीं आज तो बुधवार है। नहीं नहीं, दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचो। एक मिनट, क्या हुआ? ईंट की लग गई यार। तो सर पर ईंट क्यों रखी? अभी तुमने ही तो बोला कि दिमाग पे जोर डालो। तुम्हें तो हर वक्त बस मजाक याद रहता है, लेकिन मेरा बर्थडे याद नहीं रहता। रहता है ना बाबू, मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे। तो बताओ कब है? बस कुछ ही दिन में आने वाला है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा बर्थडे भूल गए, आज ही है। अरे बाबू, मैं तो मजाक कर रहा था। हैप्पी बर्थडे बाबू, मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खरीद लिया है। सच्ची? थैंक यू सो मच जानू। बताओ आज कहाँ मिलना है? 1 घंटे के बाद चुम्मन के खेत पर मिलते हैं, ठीक है ना? चुम्मन का खेत तो बहुत सही है। मैं अभी आया 5 मिनट में बाबू। ठीक है ना बाबू? आई लव यू, थैंक यू टू यू बाबू। हराम खोर सुअर दिन भर पड़ा रहता है। पापा कुत्ता ही बोल दो, वो भी तो सोता रहता है। सुअर शब्द मेरे चेहरे पे जमता नहीं है। कुत्ता तो फिर भी उड़ जाता है, लेकिन सुअर दिन भर नाली में पड़ा रहता है। तू तो उससे भी आगे। तो मैं तो खाट पे पड़ा था, नाली में थोड़ी पड़ा था। मुंह चलाने की क्या? तो बस वो अभी 10 किलो नींबू तोड़ कर लाया हूं मैं, जाके मंडी में बेचाना। देखा, पापा की चप्पल से बच गया ना। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काम की मैसेज के अपन तो कहीं कर ही नहीं सका। नींबू बेचिया जे। जय भैरुनाथ। मंडी में अभी तो टाइम लगेगा। फोन लगा। आप बोल, इतने सुबह सो फोन क्यों किया? इतनी सुबह? दोपहर की 12 बज रही है। अरे हाँ, वो तो ठीक है, पर बता काम क्या था? आज तेरी भाभी का बर्थडे है, उसने मिलने के लिए बुलाया है और गिफ्ट भी देना है, जल्दी आ। अरे तू भी कहाँ लड़कियों के चक्कर में फंसा है? लड़कियों का चक्कर बहुत बेकार होता है, इसीलिए मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसता। मैं नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम वाइम नहीं है, मैं नहीं आ रहा। और तुम सालों पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS बनो और देश चलाओ। तू मिर्जापुर का मुन्ना भैया मत बने। हाँ, उसके साथ उसकी सहेली भी आने वाली है। मैं सोच रहा था उसकी सहेली से तेरा भी कुछ जुगाड़ करवा देता। ठीक है चल, कोई बात नहीं। मैं तो तेरे भले के लिए सोच रहा था माता। हाँ भाई, कहाँ चलना है बता। अभी तो फोन पे लंबी लंबी दे रहा था, आ गया नहीं लाइन पे। चल बोरी उठा ले। मैंने उठा रहा उसकी सहेली से। चल चल, तेरे है ना बात आज करवा दूंगा पक्का, करवाना पड़ेगा। तो भाई कुल मिला के यह बात है। हाँ वो तो ठीक है, पर गिफ्ट लेगा क्या? दुकान पे चल के देखेंगे, जो अच्छा लगेगा ले लेंगे। पर मैं सोच रहा हूँ एक टेढ़ी दारू दे दूं। टेढ़ी दारू क्या है? अबे अनपढ़, इंग्लिश में बोले तो टेढ़ी बियर।
वो टेडी बियर होता है, टेडी बियर नहीं, टेडी बियर मतलब भालू। हाँ हाँ भाई भाई, कितने का आएगा भाई? छोटा लेंगे तो 500,000 का आ जाएगा और बड़ा लेंगे 2,000 का आएगा। हाँ तो बड़ा ही लेंगे ना। ए, तुझ जैसे बेकारी के पास पैसे आए कहाँ से इतने? पापा ने निब्बू दिए बेचने के लिए, इसमें से पैसे निकाल लेंगे, बोल देंगे निब्बू सस्ते हो गए, कम पैसे में बिके। अच्छा आइडिया है, मेरे दोस्त सब्जी बेचने का काम करता है, सारे नींबू उसको बेच देते हैं। हाँ चल चल, लगा फोन ले पकड़। हाँ हेलो कल्लू भैया, 10 किलो नींबू है। हाँ 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 2,000 बोल रहा है। हाँ ठीक है, कहाँ आना है? ठीक है ठीक है, वो किसी को भेज रहे चुम्बन के खेत पे, वहाँ बुलाए अपन को। अरे तो तेरी भाभी भी तो वहीं पे आने वाली है मिलने के लिए है, दोनों काम हो जाएंगे, उससे पैसे लेंगे और तू पैसे लेके बाजार चले जाना, उधर से भालू ले आना, मैं वहीं पे तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है तो, है ना, ये ले पकड़। अल्लाह चल चल जल्दी चल, 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 चल। लाओ लिंबू तो कल्लू भैया ने भेजा है मुझे। नाम क्या है तेरा? पांडू, पांडू नाम है मेरा। है पांडू? पांडू है गाल। गलत बात नहीं बोलेगा, पांडू नाम है उसका, पांडू। फालतू की बात मत करो, ये पकड़ो अपना 2,000 रुपए और लिंबू दो। ये रखे। ठीक है लिंबू तो ठीक है ना? देख ले। लो डालो। ले 2,000 रुपए और बाजार से बड़ा भालू ले आ। भाई भाई बाबे की सहेली से मेरा मामला तो जमवाएगा ना। अरे हाँ यार तू जा जल्दी जा पहले। तू सच बोल रहा है ना? खा मेरी कसम मर जाएगा तू। हैं क्या? मेरे हाथ से मर जाएगा, चुपचाप चला जा, गुस्सा मत दिला। हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ। मिलन की जल्दी है, डुन 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 डुन। मिलन की जल्दी है, ट्रेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं दूं उसकी छत पे ट्रेन उतार। इसकी आंखें कहाँ है? नया 3,000 का आ रहा था, 1,000 कुछ ना आके निकाल ली। अरे अब तो ये देखेगा कैसे, अंधा हो गया यार। भाभी आ रही है। ओ। मगर भाई भाभी तो अकेली है, उनकी सहेली कहाँ है? अरे वो उसके पीछे पीछे आ रही होगी, तू जल्दी से जा पेड़ के पीछे छुप जा, जल्दी जा। ए, ए, ए। ये हाथी तो पकड़ते। हाँ, हाँ। जल्दी जा। हे वाओ, ये टेडी बियर मेरे लिए है। हाँ इसकी आंखें तो है ही नहीं। वो है ना प्यार में अंधा हो गया। तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे शर्म आ रही है। हे भगवान कितनी सुंदर है। वह ना आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू। सॉरी मैं कल तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, मेरे पापा ने मुझे 250 रुपए दिए हैं, मैं तुम्हारा रिचार्ज करवा दूंगा।
तूने मुझसे झूठ बोला कि भाभी की सहेली आएगी, आई तो है ही नहीं। कितना जरूरी काम छोड़ कर आया हूँ मैं? काहे का जरूरी काम, वैसे भी तो घर पे पड़ा पड़ा सो ही रहा था ना। भाभी आपको यही झूठा मिला था क्या, कमी ना कहीं का? जानू बहुत हो गया, कितने बदतमीज दोस्त पाल कर रखे है तुमने। अब सोच लो, या तो तुम इसे छोड़ दो या मुझे। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, बता देना मुझे सोच कर, मैं जा रही हूँ। ये 2 टेडी बियर मुझे, और याद से कल मेरा रिचार्ज करा देना। साले तुक्के बाज, साले धोखे बाज, बड़ी मुश्किल से 100 सेटिंग हुई थी, उसे भी तोड़वा दी। अपने सेटिंग करता, मेरे बारे में तो कुछ सोचते नहीं। अरे तू भी किसी लड़की से कुछ बोला करे ना। अरे क्या मुनी है, जिससे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ उसको तू पटा लेता है। तो साले मैं क्या करूँ, साले मतलब ही कहीं तू तेरी सकली ऐसी है, तेरी वजह से सब उल्टा हो गया ना। क्या रहा है ये निब्बू बेचे? क्या हुआ, कुछ बताएगा कि तू? पापा वो निब्बू चोर ले गए। कैसे? डाकू ने मेरे गर्दन पर छुरा रखा और यूं कहा, अगर तूने चिल्ला के किसी को बुलाने की कोशिश करी और या फिर घर जाके पुलिस को बुलाने की कोशिश करी तो घर पे जाकर तेरे पिताजी को पीटेंगे। हाँ तो मैंने सोचा कि निब्बू तो और आ जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको बचा लिया। पापा आपको बचाने के लिए मैंने निब्बू जाने दिए, नहीं तो वहीं ढेर कर देता सबको। हाँ शाबाश, तूने एक नंबर काम किया। ले दरबेन तबोरी। हमारी नहीं है और कोई की है, ले जाओ ले जाओ। अरे तारी है, मैंने कॉपी देख लो, तू नींबू खाली कर रहे हो तो पकड़ बोलिया को मैं। और हर कोई को नाम लेते हो फिर कट्टी चोरी हो गई। पर पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी है? इसकी इसकी गर्लफ्रेंड थी वो, इसने उधार पैसे लिए थे गिफ्ट के लिए। अच्छा तो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे हो रहे। रुक जाओ, तुम दोनों को बताता हूँ मैं अभी।